और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट गहरा गया था, जिसमें भारत अमेरिका समेत कई देशों में खाद्यान्न के बम्पर स्टॉक ने दुनिया के कई देशों में गहराए खाद्य संकट को हल करने में मदद की थी। मौजूदा समय में भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। इस बीच दुनिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है। इस वजह से दुनिया के कई देश गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। देशों की इन सूची में भारत के साथ ही चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। नतीजन दुनिया की कृषि और किसान संकट में आ खड़े हुए हैं। इस वजह से दुनिया एक बार फिर से गंभीर खाद्य संकट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं कि भारत, अमेरिका, चीन और यूरोप में सूखे की वजह से किस तरह के हालात बने हैं। भारत की खेती इन दिनों जलवायु परिवर्तन की वजह से गंभीर परिणाम का सामना कर रही है। मसलन इस वजह से गेहूं के उत्पादन में दर्ज की गई कमी के बाद धान के रकबे में 13% तक की कमी दर्ज की गई। असल में बीते रबी सीजन में गेहूं की फसल को फरवरी मार्च में चली लू की वजह से नुकसान हुआ था। इस वजह से भारत के गेहूं का उत्पादन 109 मिलियन मीट्रिक टन से घटकर 106 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया था। हालांकि अमेरिकन खाद्य एजेंसी ने इस वजह से भारत में 99 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन होने का अनुमान जारी किया है। नतीजन मौजूदा समय में देश के अंदर निर्यात पर लगे प्रतिबंध के बावजूद गेहूं के दाम नई ऊंचाई पर हैं। वहीं इस मॉनसून सीजन में देश के कई राज्य कम बारिश होने की वजह से भी परेशान हैं, जिसमें देश के पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य अधिक है। नतीजन धान की खेती प्रभावित हुई है। असल में जिन स्थानों में बारिश कम हुई वहां धान की उत्पादकता में श्रेष्ठता रखने वाले राज्य हैं। सूखे के इन हालातों को देखते हुए बीते दिनों सरकार ने इस खरीफ सीजन धान के रकबे में लगभग 13% की गिरावट का अनुमान जारी किया है। वहीं इसी बीच मॉनसून की उलट बांसियों को देखते हुए असम सरकार की तरफ से खरीफ सीजन का कैलेंडर बदलने की कवायद ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से अमेरिका भी इन दिनों गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। सूखे की वजह से खेती किसान पर पड़ रहे असर से पहले अमेरिका के खेती के महत्व को समझ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तमगे के साथ अपनी पहचान बनाने वाले इसी अमेरिका ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में कृषि उत्पादकों का निर्यात कर खूब माल कूटा था, मसलन अपनी अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था। लेकिन मौजूदा समय में पड़ रहे सूखे का अमेरिका की खेती पर गंभीर असर दिखाई दे रहा है। अमेरिका के किसान अपनी फसल नष्ट करने के साथ ही अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अमेरिकी फार्म ब्यूरो फेडरेशन के एक नए सर्वेक्षण के हवाले से कहा गया है कि लगभग 3/4 अमेरिकी किसानों ने सूखे की वजह से अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सूखे की स्थिति पिछले साल की तुलना में अधिक है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पानी के स्रोत कम होने की वजह से किसान अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर हैं। आगे ये भी बताया गया है कि इस सूखे के प्रभाव को आने वाले वर्षों में न केवल किसानों और पशुपालकों द्वारा बल्कि उपभोक्ताओं द्वारा भी महसूस किया जाएगा। वहीं इसी बीच सूखे से निपटने के लिए जल स्रोतों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए नासा भी मदद के लिए आगे आया है। वहीं यूरोप का भी ऐसा ही कुछ हाल है। यूरोप के अंदर भीषण गर्मी की वजह से गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यूरोप के अधिकांश देशों में कम बारिश की वजह से नदियां सूख चुकी हैं, तो वहीं खेत बंजर पड़े हुए हैं। इस संबंध में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि यूरोप में फ्रांस रिकॉर्ड सबसे अधिक सूखे का सामना कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सूखे की पूरे यूरोप में एक समान तस्वीर है। आलम यह है कि यूरोपीय संघ में 60% से अधिक भूमि सूखे की चेतावनी या अधिक गंभीर अलर्ट क्षेत्र में है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में फ्रांस में लॉयर और रोन, इटली में पो और जर्मनी में राइन सभी ने विशेष रूप से निम्न जल स्तर का अनुभव किया है, जिससे परिवहन, कृषि और ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ है। वहीं ब्रिटेन में भी नदियां सूख चुकी हैं। कुछ यही हाल यूरोप की तरह ब्रिटेन का भी है, जहां कम बारिश और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से भयंकर सूखा पड़ा है। असल में इंग्लैंड के 14 में से 8 इलाकों में सूखे की घोषणा कर दी गई है, जिसे 1976 के बाद सबसे बड़ा सूखा कहा जा रहा है। वहीं चीन भी सूखे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया है। आलम यह है कि मौजूदा समय में चीन के अंदर अधिक गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग गई है। वहीं इस बीच दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र चोंगकिंग में 66 नदियां सूख गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इन हालातों में फसलों को सूखे से बचाने के लिए चीन ने सूखे को लेकर साल का पहला नेशनल अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।